In a major embarrassment to the Akhilesh government there, a sting operation by the police UP's Gonda district allegedly has KC Pandey, who enjoys a minister of state rank in the Uttar Pradesh government, asking the police to help the cattle smugglers. Now, while the minister has dismissed these charges in spite of this visual proof that you see on your television screens right now, Akhilesh Yadav has announced a probe into this entire matter. इनका कार्य जगह जगह कलेक्शन पॉइंट से बैल को उठाना, ट्रकों में डाल के कहीं बिहार की ओर कहीं ले जाते हैं। ये चाहता था गैंग कि मुझसे महीना बंधा करके और वो उनकी निर्बाध गति से तस्करी पशुओं की चलती रहे। इसके लिए उसने कहा कि हम कुल 8 लाख का पैकेज देंगे और हम हर एक चौकी को, थाने को 50,000 रुपया, आपके एडिशनल SP CO को भी पैसा देंगे और 2 लाख रुपए SP को देंगे, लेकिन SP की जिम्मेदारी होगी कि उसकी गाड़ियां न रोकी जाए। इसके लिए कल शाम को भी हमने स्ट्रिंग किया था कि रिहर्सल स्ट्रिंग किया कि देख लें कि ठीक आया कि नहीं आया, ताकि कानूनी कार्रवाई में कोई खामी ना रहे। और आज सुबह फिर ये आ गया, हमने समय दिया तो सवेरे ये 1 लाख रुपए इसने हमें ऑफर किया, बाकी देंगे। कह रहा था कि अगर 3-4 घंटे बुझाओ तो शाम को 4 लाख दे देंगे, अब पता नहीं। लेकिन 1 लाख जो इसको ऑफर किया, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और बाकायदे कानूनी कार्रवाई की है। इसमें 4 लोग, आशुतोष पांडे नाम का आदमी था जो पैसा दिया रखा मेरे को, हमने उसके 3 साथी अन्य जो बाहर गाड़ी में थे वो भी गिरफ्तार कर लिए हैं। पांडे साहब का मामला प्रकरण चल रहा है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं गौ तस्करी को लेकर। अब पूर्वांचल में उनका जबरदस्त नेटवर्क है, उसके बाद उनको लाल बत्ती आपने 2 दिन पहले उनको दिया है, इस पे क्या प्रक्रिया? देखिए, यहाँ तक लाल बत्ती का सवाल है, माइक शरीफ भी और ये जो घटना या इंस्टिंक्ट ऑपरेशन है वो इस वर्ष का नहीं है। ये वर्ष जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय का प्रकरण है। आपका चैनल बहुत बढ़ चढ़ के दिखा रहा है और मौका भी मिलता है आपको दिखाने का। इस पर जाँच जरूर होगी कि सच्चाई क्या है, वो सामने आनी चाहिए। अब जब तक आरोपों को राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में आरोप कभी किसी पे कोई लगा दे, जब तक उनकी जांच न हो जाए, सत्यता सत्यापन न हो जाए, तब तक कैसे किसी आरोप के बारे में? समाजवादी पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे छवि खराब हो, और समाजवादी पार्टी फूंक फूंक के पैर रखने का काम करेगी और करती है।